बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। हूँ आपके साथ निशा यादव, मुद्दा आपका, उठाएंगे हम बनेंगे आपकी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह, देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। अयोध्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य न घोषित करने सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान गन्ने को जलाकर कार्यकर्ताओं ने अपना रोष व्यक्त किया। वहीं KM शुगर मिल मसौदा और रोजा गांव चीनी मिल में संबंधित समस्याओं का ज्ञापन जिला गन्ना अधिकारी APP सिंह को दिया, जिसमें मांग की गई है कि गन्ना सप्लाई टिकट की जानकारी मोबाइल मैसेज के साथ साथ फोन कॉल के माध्यम से दी जाए। लोग जो यहां गन्ना मूल सरकार जो रेट नहीं घोषित किया है और किसानों को भुगतान भी नहीं मिल रहा है, इसी गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय अयोध्या फैजाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और किसानों के साथ हम लोग यहाँ धरना देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो अपने आप को ये कहती है कि हम किसानों का जो है आमदनी दूना करने का बात करते हैं, और लेकिन होता क्या है कि किसानों को जो है उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। चीनी मिलों में गन्ना पेराई शुरू हुए एक माह बीत रहे हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना मूल नहीं तय कर पाई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा इस वर्ष हो रहा है इस सरकार में कि चीनी मिलें इतने दिन से पेराई शुरू कर दिए हैं और गन्ना जो है मूल अभी सरकार नहीं घोषित किया है। इन्हीं को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ना की जो है आज हम लोग होली जलाए हैं कि सरकार किसानों की जो है दुख को समझे, पीड़ा को समझे और शीघ्र जो है गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित करे, और जो इनका गन्ना भुगतान का जो है समय है 14 दिनों के अंदर। मेरा ये कहना है कि जब सरकार कानून बदल रही है तो एक कानून जो किसान के हित में है इसको भी बदलना चाहिए उसको, क्योंकि ये किसान के हित का कानून है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसमें पूंजीपतियों का हित होता है वही सरकार कानून बदलने का काम करती है। गन्ना जो 14 दिनों में भुगतान का है ये पुराना ये नियम कानून है, उस समय का कानून है कि जब गन्ना हम लोग बेचते थे और गन्ना की फीड एडवाइज चीनी मिल बनाती थी, हाथ से बनाती थी, उसके बाद चीनी मिल बैंकों में ले जाती थी, बैंक फिर उसका हाथ से पेमेंट चढ़ाते थे। उस समय था कि गन्ना आज बेचेंगे 14 दिनों लग जाएगा, 14 दिनों में आपको भुगतान मिलेगा। आज इसका जो है ज्ञापन आपने किसको दिया? तो मेरा कहना ये है कि अब जो है नेफ्ट का ज़माना है, जब चाहिए तुरंत पेमेंट किसानों के खाते में, तो अब वो 14 दिनों का जो है नियम जो है इनका उसको भी बदलना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे, 14 दिनों से उसको बदल दे और 5 दिनों के अंदर में। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।